और वो सॉल्व करके कितना आएगा नाइन प्लस टू प्लस फोर इक्वल्स टू फिफ्टीन आएगा कि नहीं आएगा ये बताना है तो हम अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री लिखते हैं तो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री तो ये कितना आ जाएगा देखिए माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस थ्री रख रहे हैं प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस फोर अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए माइनस थ्री का होल स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस थ्री का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री अब ये कितना आएगा देखिए मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और थ्री थ्री जन प्लस का नाइन कहें या नाइन कहें बात एक है तो हमने यहां नाइन लिख दिया अब देखिए फाइव प्लस का है और माइनस का थ्री है राइट right? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस हमें पता है प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस तो माइनस और फाइव की थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्रीजा फिफ्टीन प्लस फोर एज इट इज अब प्लस की वैल्यूज कौन कौन सी हैं नाइन प्लस का है और फोर प्लस का है तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो नाइन प्लस फोर इज थर्टीन माइनस अब प्लस का है फिफ्टीन माइनस का है एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिफ्टीन में से थर्टीन गया टू आया और फिफ्टीन हायर वैल्यू है तो उसका साइन क्या है माइनस तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस तो ये कितना आ गया माइनस टू तो ये क्या कह रहा था नाइन प्लस टू प्लस फोर क्या ये सॉल्व करके ये पुट करके हमारा फिफ्टीन आ रहा है इक्वल करके नहीं ये माइनस टू आ रहा है अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा आंसर माइनस टू आएगा ये नहीं आएगा राइट right? आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस थ्री इन कॉन्स इ्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर वी गेट माइनस टू इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ हो सेकेंड पार्ट करते हैं बी पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर अब हमें फिर से x की वैल्यू क्या लिखनी है माइनस थ्री तो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस थ्री तो माइनस थ्री रखा x की जगह तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ पे जहां जहां x है वहां माइनस थ्री रखेंगे माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस फोर तो देखिए ये कितना आएगा हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस का नाइन होता है तो नाइन डायरेक्टली लिख ली अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो प्लस लग गया फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन और प्लस फोर एज इट इज तो ये कितना आ जाएगा हमारा देखिए नाइन प्लस फाइव इज फोरटीन फोर्टीन प्लस फोर इज एटीन कैरी वन एंड टू तो ये आ रहा है हमारा ट्वेंटी एट लेकिन आंसर कितना आ रहा है माइनस टू तो हम यहां लिख सकते हैं ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर में इट गिव्स ट्वेंटी एट इंस्टेड ऑफ इसका कितना आया था माइनस टू इंस्टेड ऑफ माइनस टू आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ सी पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है और अब अगर हम x की वैल्यू पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस थ्री रखते हैं तो कितना आएगा हमारा x की जगह माइनस थ्री रखा तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री इसका कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी फोर आ रहा है तो देखते हैं क्या माइनस ट्वेंटी फोर आता है कि नहीं आता है तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था नाइन होता है अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस और फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन अब देखिए एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिफ्टीन में से नाइन गया इस सिक्स और साइन बड़ी वाली वैल्यू को लग जाएगा फिफ्टीन माइनस का था तो माइनस का साइन लग गया तो देखिए आंसर ट्वेंटी फोर आ रहा था माइनस का लेकिन आंसर कितना आना चाहिए माइनस सिक्स तो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इट गिव्स Minus six, not minus four answer.